हाय गाइस, तो आज ये हमारा जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो इवनिंग में शुरू हो रहा है और अभी हमने बनाया है यहाँ पर पनीर की सब्जी, साथ में चावल और रायता और प्याज सब्जियाँ ली हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? और वो भी मम्मी का पजामा ओढ़ के सो रहा है। सो रहे हो? सो जाओ। सो जाओ, आग बंद कर लो। ये लो अपना कच्चा ओढ़ के सो जाओ। ये ओढ़ लो, ये ओढ़ लो, लो ओढ़ लो। ये ओढ़ेगा। ये कौन सी जगह डांस करने की? कोई बुड्ढू बाजा तो वहीं बज रहा है। अब थोड़ा वॉक करके आए हैं तो यहाँ पर मैं अपने पैरों की थोड़ी सिकाई करी क्योंकि ना पैर ऐसे स्वेलिंग में आ गए हैं, तो सोचा कि थोड़ी सिकाई कर ली जाए। तो यहाँ पर गुनगुने पानी से हम कर रहे हैं सिकाई। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिर आज है ये दूसरा दिन और मैं अभी यहाँ पर वॉक कर रही हूँ। थोड़ी सी बॉडी बहुत अजीब सी हो रही है और वैसे भी आज कोई उठा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अकेले वॉक कर लिया जाए। तो घर के अंदर ही वॉक कर रही हूँ मैं यहाँ पर। A few moments later. ये लड़की मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं क्योंकि कई बार मैं बीच बीच में आकाश को से मतलब कॉल करके मैं रोने लग जाती हूँ, तो मेरा मजाक उड़ा रही है ये लड़की। पाप लगेगा, पाप पाप लगेगा तेरे को, पाप प्रेग्नेंट लेडी का मजाक उड़ा रही है। मैं किसी कॉल करूँ मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं भी उन्हें कर लूँ क्या? कर ले पर रोयो नहीं। कह दो नोनी जा कुछ बना ले। चल मेरा अकेले रहने का मन नहीं कर रहा, किचन में चल। मेरे पास आई है और मैं पर आगे लेट के बोली कुछ खाएगी, खुद का कुछ खाने का मन कर रहा है, मेरे पर धर के कर रही है ना। नहीं खा ही लेते हैं और क्या ही करें, जिंदगी में बचा ही क्या है, खाओ पियो सो। है संडे मना लेते हैं। चलो चल ठीक है, सब लोग सो रहे हैं, क्या करें। भैया भी सो गए जाके, पोटी कर रहे थे, वो तो मैंने भगा दिया उन्हें बाहर। ऊपर से आके भैया को परेशान करके आई है, लड़की को कुछ और काम नहीं है आज, संडे कुछ जा रही तेरा वो चल रहा है खाली। नहीं मैं थोड़ा सरसों भारी हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ और कुछ खा पी लूँ। चल नहीं हिम्मत रहेगी मेरे सर के ऊपर, ना कुछ करने देगी ना कुछ करेगी। चल खड़ी तो मैं कॉल कर लेता हूँ। बहुत मजाक उड़ा रही है मेरे, बहुत मजाक उड़ा रही है। चलो भैया, अरे ये क्या सोने दे रही है हमें, ये तो आज सुबह में पाँच बजे करीब उठ गई, बॉडी पूरी ऐसी हो रही है, योगा कर लिया, घूम लिया फिर लिया, सारा काम कर लिया, एडिटिंग कर ली। चलो भाई नींद तुझे आ नहीं रही है, मेरे ऊपर मत थोप, तुझे नींद तो मुझे आ ही नहीं रही, मैं लेट आवाऊंगी थोड़ी। वैसे भी लेट थी तो अजीब सी हो रही है आज बॉडी, थोड़ी चलने फिरने में भी थोड़ा सा ना वो पेल्विक में थोड़ा होता है ना पेन सा। क्या ऐसे चल रहा हूँ यूं, वो नहीं होता पैगमिन ऐसे ही चल रहा हूँ। चल आज चलो गाइस, बाय 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 बाय। ये बन गया मैंगो शेक मेरा विदाउट शुगर, छाया का शुगर के साथ, एंजॉय। A few moments later. Oh, push out, उठ जाओ, बुआ. No. चढ़ जाओ. No. आधे में तो खुद ही गिर रहा है. अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए क्योंकि मेरा मन ना बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है। मैं दो बार रो ली हूँ, कल भी रोई थी इस टाइम सेम टाइम पर, आज मैं फिर से रो ली हूँ क्योंकि मुझे तो आकाश की याद आ रही है। फिर पता नहीं प्रेगनेंसी में होता भी है कि एक तो वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं कि वो सब चीज़ें बढ़ गई हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, 10 दिन बाद डॉक्टर भी चेक करेगी तब बताएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर अपने आप ही खुद ना कुछ चलता रहता है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा से एग्जॉस्ट सा हो गई हूँ और
फिर उन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक पास में एक है राजमहल करके सदर में, तो वहाँ की जो आइसक्रीम है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे मेरा मीठा खाने का कुछ खास मन करता नहीं है, पर उन्होंने बोला कि तेरा मीठा सब कुछ सही आया था, शुगर सही था, सब कुछ सही था, अब उसे कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर ने सिर्फ चिकन आई की मना की थी, तो कि चल तू खा ले तेरे को अच्छा लगेगा, इतना सोच रही है, इतना सब चीज़ें चल रही हैं, खुश रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तो फिर अभी हम सोच रहे हैं कि खाना पीना खा के फिर हम थोड़ा सा खान जाते हैं, फिर वैसे भी खान कुछ भी ऐसा मीठा खाते हो ट्राई करो सैलेड के बाद या कुछ खाना पीना खाने के बाद ही लो, वो थोड़ा इम्पैक्ट कम पड़ता है। मतलब एकदम से शुगर खाली पेट खाना ज़्यादा मतलब अवॉइड करो हो सके तो वही सब चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, मैं भी एक तो मैं अभी जस्ट रो कर आई हूँ, हालत वो ऐसे बिल्कुल ऐसा गला सा भरने आता बिल्कुल ऐसा हो रहा है बार बार, आकाश की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पता नहीं बस ऐसा लग रहा है कि मैं दिन काट रही हूँ, जल्दी से ये सब चीज़ें हों, जल्दी से डिलीवरी हो, मैं आकाश के पास वापस जाऊँ, उसके साथ में आराम से रहूँ, अपना घर है। पर वो ना कि यार अब होता है ऐसा कि शादी को तब नहीं, अब हस्बैंड के साथ रहना है, पर मजबूरी है क्योंकि वहाँ पर वो भी है कि वो भी ध्यान नहीं रख पाएगा मेरा, तो सारी चीज़ें कैसे होंगी मैनेज, क्योंकि वो भी उसको भी यार अपना काम करना है, वो अपना काम थोड़ा छूट के बैठेगा, फिर काम छोड़ेगा तो फिर खाएंगे क्या पियेंगे क्या, वो वाली चीज़ें होती हैं। मैं कर रही हूँ वो चीज़ें अलग, लेकिन यार उसका खुद का भी अपना है कि मुझे उसे खुद कमाना है, उसे चीज़ें करनी है, तो वो घर पर तो नहीं बैठ सकता, तो फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस मतलब मैं आकाश से कह रही थी कि यार हमारे इस बच्चे ने हमारे क्या कहते हैं मतलब खुद आने से पहले हम दोनों को थोड़ा दूर दूर सका कर दिया है, सब कुछ बस अच्छा हो। पता नहीं क्या नेगेटिविटी चल रही है मेरे दिमाग में, पॉजिटिव करना है। कल से मेडिटेशन और थोड़ा अच्छे से करूँगी, मेडिटेशन ढंग से कर नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें चलने लग रही हैं, वो सब चीज़ें मैं बुला भी नहीं पा रही हूँ, डॉक्टर ने जो सब चीज़ें बोली हैं आगे पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। फिलहाल चलते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा लगेगा, आइसक्रीम खा के आते हैं, यार जो होगा दिखा जाएगा, अब वैसे भी जो होना है सो होना ही, तुम वैसे भी को नहीं रोक सकते हो। चलो चलते हैं। उतनी दूर आके आइसक्रीम पार्टी हो रही है मेरी और सोना की, यहाँ रू रू कुछ तो देख रहा है, वो खा लो रूट आइसक्रीम खा लो, गाइस हमने मंगाए हैं ये पुरानी दिल्ली वाली आलू टिक्की विद छोले। वैसे कपिल शो की पूरी जो पूरी बनती है वो उसी से बनती है, गुत्थी से है, जब तक वो ना आया तब तक मज़ा नहीं आया, पूरा माहौल ही बदल देता है। हाँ डॉक्टर गुलाटी वो बात, अरे इस बीच में सोना हर जगह पे गुलाटी को घुसा देती थी जो बात बात में याद है।